खतरे तक और आखिरी गोली तक इंडिया के एजेंटों से लड़ूंगा लड़ूंगा। जब भूषण यादव की बात सिर्फ करते हैं ना, तो एक जासूस पकड़ा गया, नवाज शरीफ साहबान और शहबाज शरीफ साहिबान, ये इंडियन एजेंट। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहिबान की शुगर मिलों में 300 से ज्यादा इंडियन बैठे। मुमकिन है पहली तारीख इस्लामाबाद की हो, मुमकिन है, मगर आपका वोट 100% रायमंड के हक में आया है। अगर तारीख दे दूं रायमंड की, चलेंगे? आप मियां साहब ये 4 सवालों के जवाब दे दें, अगर आप ये नहीं देंगे, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि ईद के बाद हमारा रुख रायमंड होगा। अगर इन दोनों बनारसी ठगों ने, चाहे वो इमरान खान है चाहे वो ताहरुल कादरी है, अगर तुमने कोई भी मार्च करने की रायमंड की सोचा भी, हमें अपने पैदा करने वाले की कसम है, तुम्हारी ईंट से ईंट बजाएंगे, हमारे कारकुन भरे पड़े हैं। तुमने अब रायमंड का नाम लिया तो कारकुन लाल हवेली की ईंट से ईंट बजा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। हफ्ते के रोज़ जहां तहरीक एहतसाब लाहौर में और पिंडी तहरीक में तहरीक किसास और तहरीक निजात हमने देखी, इमरान खान ने भी अनाउंस किया कि वो ईद के बाद रायमंड का रुख करेंगे, तो दूसरी जानब शेख रशीद साहब की तरफ से और ताहिरुल कादरी साहब की तरफ से जहाँ रायमंड जाने की बात तो की ही गई, लेकिन काफ़ी संगीन इल्ज़ाम भी लगाए गए हमारे हुक्मरानों पर और उन्हें भारतीय एजेंट भी करार दिया गया। क्या चीज़ें हुई, 10-12 नाम तो ताहिरुल कादरी साहब ने ही ले दिए और ये कहा कि इनकी शुगर मिल्स में 300 के करीब भारतीय जासूस भारतीय एजेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। संगीन इल्ज़ामात हैं और इसका रद्दअमल भी आया। परवेज़ रशीद साहब ने कहा है कि ये जो मामला है इतने संगीन एलिगेशंस का, इस पर ताहिरुल कादरी के ख़िलाफ़ वो कोर्ट से रजू करेंगे। और जो आबिद शेर अली ने भी कहा वो आपने सुन ही लिया, उन्होंने कहा कि अगर रायमंड की तरफ गए तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और आज जो मामला हुआ है कि जिस तरीके से स्पीकर नेशनल असम्बली अयाज सादिक ने जो रेफरेंसेस फ़ाइल हुए थे वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी जानब जो रेफरेंसेस थे इमरान खान के ख़िलाफ़ और जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़, उनको जो है वो इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया गया है। इमरान खान पे इल्ज़ाम ये है कि जी उन्होंने ऑफशोर कंपनी के हवाले से जो डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, वो छुपाई हैं और जहांगीर तरीन ने भी नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर इनका जिक्र नहीं किया, अपने एसेट्स का जिक्र जो है वो नहीं किया गया। इमरान खान का रद्द अमल क्या है, स्पीकर को कैसे आज उन्होंने आड़े हाथों लिया, वो देखिएगा। मुझे समझ नहीं आई कि स्पीकर ने मेरा रेफरेंस कैसे दायर कर दिया और इनका नहीं किया। इसका मतलब ये है कि स्पीकर बिल्कुल गैर जानबदार नहीं है। एक और इदारे को तबाह किया नवाज शरीफ ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए, असेंबली के स्पीकर का भी इदारा पहले मशकूक था, 2 दफ़ा धांधली करके इलेक्शन जीत के आया है, अब और मशकूक हो गया कि बिल्कुल गैर जानबदार नहीं है। लाहौर में होने वाली रैली को हमज़ा शहबाज शरीफ ने किस तरह से बयान किया वो भी आपको सुनाते हैं। और ये जो लाहौर के अंदर एक कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा इज्तमा था, बहुत बड़ी रैली थी और रायमंड का रुख किया जाएगा, उस पर अपने तासुरात का इजहार कैसे किया वो भी सुन लीजिए। जिस तरह से लोगों ने मुस्तैद किया है इंतशार को, धरनों को, और फिर कैसे ना करें, आपके जो अंदर की ख्वाहिश है ना वो रोज़ आपको तंग करती है, रोज़ आपको वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठने का ख्वाब आपको सताता है, आपकी नींदें हराम करता है और आप नित नए तरीके निकालते हैं। कभी आप कौम के 126 दिन धरने के अंदर जाया करते हैं, कभी आप एहतसाब रैली के नाम पर तमाशा करते हैं। एक तरफ जहां शेख रशीद साहब और ताहिरुल कादरी साहब की तरफ से हुक्मरानों को भारतीय एजेंट कहा जा रहा है, वहीं पर हुक्मरानों का ऑपोजिशन के लिए और ख़ासकर इन एहतजाजी रैलियों के हवाले से और धरनों के हवाले से जो रद्दअमल है वो ये है कि ये किसी और के हाथों में खेल रहे हैं, चाहे वो कादरी साहब हों या फिर इमरान खान साहब हों। और मुशाहिदुल्लाह खान साहब तो कहते हैं कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश करके मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए इन्हें यहाँ पहुँचाया है, लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने जो कायद हिजब इख्तलाफ हैं कौमी असम्बली में, इस निज़ाम के खिलाफ या इस डेमोक्रेसी के खिलाफ जिन साजिशों का जिक्र हमारे हुक्मरान करते हैं उस हवाले से क्या कहा वो भी सुनिएगा। हम हर जगह पे ये कहते हैं कि जमहूरियत को खतरा है,
जमहूरियत को खतरा है, धरना लगेगा जमहूरियत को खतरा है, अगर जुलूस निकला जमहूरियत को खतरा है, तो जमहूरियत को खतरा नहीं है, ये हुक्मरान को शायद खतरा हो सकता है। जमहूरियत को खतरा नहीं है, हुक्मरानों को ज़रूर ख़तरा हो सकता है। आखिर ये जो मामला है पैनामा लीक्स का, जो सवालात उनके जवाबात तलब किए गए हैं, ओपोजिशन की डिमांड ये है, और आज जिस पर ओपोजिशन ने बॉयकॉट भी किया, रेफरेंसेस वज़ीर आज़म साहब के जिस तरीके से रिजेक्ट किए हैं स्पीकर कौमी असम्बली ने, उस पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, ये ऊँट आखिर किस करवट बैठेगा? हुकूमत पर दबाव और ओपोजिशन का मकसद इदारों पर दबाव, क्या वाकई ये अचीव हो पाएगा? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाएंगे और इस डिस्कशन का बाकायदा आगाज करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। प्रोग्राम में एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमें खुरम नवाज़ गंडापुर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के, आपकी तशरीफ आवरी का भी बेहद शुक्रिया। और मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत शुक्रिया तीनों की तशरीफ आवरी का। एजाज चौधरी साहब, आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी, ये जो आज की डिवेलपमेंट है, जो रेफरेंसेस फाइल किए गए थे, स्पीकर साहब ने वो रेफरेंसेस तो रिजेक्ट कर दिए जो वज़ीर आज़म की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से थे, जहांगीर तरीन और इमरान खान के रेफरेंस जो हैं वो ज़रूर आगे भिजवा दिए, जो कि दानियाल अजीज़ साहब ने, मायज़ा हमीद साहिबा ने और तलाल चौधरी साहब ने पेश किए थे, इस पर क्या कहेंगे, क्या रद्द अमल है? क्या वाकई न्यूट्रल किरदार जो एक स्पीकर का होना चाहिए वो आज आपको नज़र आया? बहुत शुक्रिया सादिया। मैं तो ये गुजारिश करना चाहता हूँ, वैसे ये बहुत अच्छा किया है इमरान खान को, तो जो कुछ भी उसने पूरी ज़िंदगी गुजारी है और पाकिस्तान के लिए अपनी कमाई से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए जो नेक नामी कमाई है, उसका सिला तो उसे ज़रूर मिलना चाहिए। और अयाज सादिक साहब ने अपनी ग़ुलामाना ज़हनियत का मेरा ख़्याल है भरपूर तरीके से इजहार किया है, और एक शख्स जो कभी हुकूमत के किसी अहदे पे ना रहा हो, किसी सरकारी मनसब पे ना रहा हो, किसी अदारे की सरबराह ना रहा हो जो सरकारी है, उसके साथ यही सलूक करना चाहिए। ऐसे हुक्मरानों से और ऐसे रियासत के चलाने वालों से यही सलूक किया जाता है अपने मुल्क के अंदर उन लोगों के साथ कि जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाला फ़र्द है मुसलमानों में, उसके साथ इन्होंने ये सलूक किया है। इस पहलू से तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये अपनी आकबत का ज़रा ख्याल कर लें। ये दुनिया के जो सामने हमें नज़र आती है, इसमें तो जो होगा होगा, अपनी अपनी मुराद को लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन एक वो वक्त आने वाला है कि जब अल्लाह की कुर्सी लगी हुई होगी और उससे कोई गुजर नहीं सकेगा। मैं सीधी सी एक बात आपसे पूछता हूँ, अगर तो मीडिया के किसी दानश्वर को ये समझ आए कि आज 5 माह हो गए हैं, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म 3 मरतबा पूरी सराहत से ये कह चुका है कि मैं साफ़ हूँ और मैं एहतसाब के लिए अपने आप को पेश करता हूँ, लेकिन जो सिस्टम उसने अपने इर्द गिर्द बनाया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर एक लम्हे के लिए भी किसी ऐसे निज़ाम के लिए तैयार नहीं हो रहा कि किसी का एहतसाब हो सके, जबकि साथ साथ ये इमरान खान ने ऐलान कर दिया था कि जो निज़ाम एहतसाब का वज़ीर आज़म के लिए बने उस पे इमरान खान को भी ठीक है परख लिया। बट एजाज चौधरी साहब, एक चीज, जिस तरीके से आप लोग और खान साहब बारहा इदारों पर तनकीद करते आए हैं, FBR ले लें, NAB ले लें, FIA की बात कर लें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर लें, उसी तरीके से अयाज सादिक साहब के हवाले से, स्पीकर साहब के हवाले से भी तो कई बार कहा, आज फिर खान साहब ने कहा कि ये 2 बार धांधली करके जो है वो असम्बली में पहुंचे हैं, तो ये जब रेफरेंस फाइल हो रहा था तो इसका अंदाजा तो शायद आप लोगों को उस वक्त भी था कि रिजेक्ट हो जाएंगे, इनका कोई मंतकी अंजाम नहीं, होगा। वैसे मैं जितना सरदार अयाज सादिक को समझता हूँ, मैं इतनी मुलाजिमाना ज़हनियत उनकी नहीं समझता था कि वो वज़ीर आज़म के रोक लेंगे। अच्छा। और इमरान खान के और दूसरे अच्छा। जहांगीर तरीन का भेज देंगे, ये मुझे कभी भी ऐसा ख्याल नहीं था। मैं ये समझता था कि स्पीकर अपने मकाम से पार्टी की उस पॉलिटिक्स से उठ के सोचेगा और कहेगा या सबके भेज दूं या मतलब यानी सबके ना भेजूं,
ये वाला रवैया अगर वो इख्तियार करता तो हम समझते हैं कि वो पार्टी पॉलिटिक्स से बालातर हैं, लेकिन जो उन्होंने किया है ठीक है, वो जो न्यूट्रल किरदार होना चाहिए कस्टोडियन ऑफ द हाउस का वो आज आपको नजर नहीं आया। मैं जरा खुर्रम नवाज गंडापुर साहब की जानिब भी जाना चाहूंगी, जिस तरीके से उन्होंने ताहिरुल कादरी साहब ने अपनी इस रैली के दौरान जो तहरीक किसास है जो इल्जामात लगाए गंडापुर साहब, काफी संगीन इल्जामात, और ये भी कहा कि कुलभूषण यादव ही नहीं 300 के करीब भारतीय एजेंट्स हमारे हुक्मरानों की शुगर मिलों के अंदर काम कर रहे हैं, भारत की मदद से ही अपनी शुगर मिल्स के अंदर पावर प्लांट्स लगा रहे हैं। इस पर आज परवेज रशीद साहब का जो स्टेटमेंट है वो आपकी नजर से गुजरा ही होगा कि जी हम कोर्ट्स का अदालतों का रुख करेंगे कादरी साहब के इन संगीन इल्जामात पे, तो तैयार हैं फिर कोर्ट जाने के लिए शवाहिद के साथ सबूतों के साथ? मोहतरमा, मैं बड़ी अदब से कहता हूँ शेख अपना ये जो है रशीद साहब, परवेज रशीद साहब ये एक जमाने में बादशाहों, परवेज रशीद जो हैं ये पुराने जमाने में अदालत बादशाहों की कोर्ट्स में कोर्ट जेस्टर होते थे, ये वो कोर्ट जेस्टर हैं, इनको हर दीवार और हर पत्ते के पीछे सिर्फ इमरान खान और ताहिरुल कादरी नज़र आते हैं। इनका जो माजी है, जो इनका किरदार है, वो सारी दुनिया के सामने है। बहरहाल मैं जो इल्ज़ामात हैं, हम तो इल्ज़ामात की सियासत नहीं, हम हकायक पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी क्लियर आवाज़ में ये कहा, मैं आज भी कहता हूँ चलें परवेज रशीद साहब को ही चैलेंज कर लेते हैं ना। आप ये तो मानने को तैयार हैं कि कुलभूषण सिंह यादव एक जासूस था हिंदुस्तानी? अच्छा, अगर वो एक जासूस था, उसको ट्रैक जहां से किया गया, उसका राबता था रमजान शुगर मिल में रहने वाले लोगों से जहां से इसको ट्रेस किया गया और ये पकड़ा गया, अगर ये समझते हैं कि कुलभूषण सिंह यादव एक जायर था जो यहां किसी इबादतगाह पे आया हुआ था, तो ये हमको अदालत में ले जाएं, अदालत में ले जाएं, ये डर से क्यों नहीं ले जाएंगे? वो भी मैं आपको बयान कर दूं जो दुनिया तो अच्छा एक चीज यानी एविडेंस आप लोगों के पास मौजूद है, जो उस दिन भी डॉक्टर साहब जो हैं वो लहरा रहे थे कागजात, उन्होंने कहा कि अगर हमें फौज को चाहिए तो फिर हम उन्हें दे सकते हैं, एजेंसियों को दे सकते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जब हम बात करते हैं हम एविडेंस के साथ बात करते हैं, और एविडेंस ना सिर्फ पाकिस्तान में हमारे पास है बल्कि बाहर मुल्क में है, ताकि अगर हमको कत्ल कर दिया जाए जो कि इनका मंसूबा है। और यहाँ आपके टेलीविजन की वसातत से मैं एक छोटी सी बात करता चलूं कि हर हफ्ते ये कहा जाता है कि मैं नाज़िम आला भी हूँ, मिनाजुल कुरान का सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक भी हूँ, हर हफ्ते एक लेटर आ जाता है कि आपको जान का खतरा है, और मैं पाकिस्तान फौज का एक सबका अफसर हूँ, लेकिन एक लाइसेंस मुझे जाती हिफाजत के लिए असले का नहीं मिल सकता। ठीक है, ये कॉल और फेल है इस हकूमत का जिसका तजाद है। ये मैं आपके स्टेशन पे कह रहा हूं ना, इसमें तो बड़ा आसान बात है, चौधरी निसार साहब से आप ये सवाल पूछ लें, इंटीरियर सेक्रेटरी से सवाल पूछ लें कि क्या मेरी एप्लीकेशन 2.5 साल से एक हथियार के लिए, कि मुझे जाति प्रोटेक्शन के लिए, और उसके साथ 4 लेटर लगे हुए हैं जिन लेटर्स पे इन्होंने कहा है कि आपको जान का खतरा है। अब ये चाहते हैं कि एक तरफ ये जो कुछ करें वो ठीक है, इनके साथ जो गार्ड फेरे, 8-8 गार्ड फेरे, एक एक वजीर के साथ चले, जो वजीर हुए वो तो हो गए। मोहतरमा मरियम नवाज का ऑफिशियल स्टेटस क्या है? अगर हर MNA को गार्ड देने हैं फिर तो जायज है, लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज को किस हैसियत में गार्ड मिले हुए हैं, मोहतरम हमजा शहबाज को किस हैसियत में गार्ड मिले हुए, लेकिन उनके पास तो गार्ड्स हैं, आप लोगों को कहते हैं कि नहीं, और फिर साथ ही साथ जो रैलीज हैं, जो एहतजाज करते हैं आप लोग, उसमें भी कह दिया जाता है कि मंसूख कर दें क्योंकि दहशतगर्दी का खतरा हो सकता है। इससे भी एक कदम आगे जाता हूं, जो कंपनी हमको गार्ड देती है उन कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाते हैं। हतफ सिक्योरिटी का मैं नाम ले रहा हूं टेलीविजन पे, हतफ सिक्योरिटी वालों को बुला के कहा गया
चलिए, दो चीजें हो गई। एक हमें मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ जाने की इजाजत दीजिए, दो चीजें हो गई। मिफ्ता साहब आपके लिए काफी सवालात हैं। एक तरफ तो जो आज स्पीकर साहब का किरदार हमने देखा, उस पर भी जो उन्होंने कहा कि उन्होंने न्यूट्रल किरदार अदा नहीं किया, और फिर ये तहरीके किसास, जिस तरीके से अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने खुद बात की है, ये काफी संगीन इल्जामात हैं। आप लोग कह रहे हैं कोर्ट में जाएंगे, तो गंडापुर साहब का भी आपने जवाब सुन लिया कि उनके पास तो शवाहिद हैं, वो तैयार हैं जाने के लिए। जाए बिस्मिल्लाह। जी शुक्रिया साथिया। ये तो देखें एक इल्जामात की बौछार है, नए नए इल्जामात करते हैं। पहले इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे कि हमने खुदा ना खास्ता कोई इलेक्शन में धांधली करी, वो कोर्ट के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उसको कहा कि धांधली नहीं हुई थी। उसके बाद आया सादिक साहब, दूसरी मरतबा बेचारे इलेक्शन लड़े। पहले इलेक्शन में सिर्फ जो जज ने कहा था कि बेकायदगी ज़रूर थी, किसी ने यह नहीं कहा कि धांधली हुई। इसके बावजूद उनको दूसरी मरतबा मजबूर करा, वो फिर जीत के आ गए, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान का इमरान खान साहब ने यही बात की है कि दो बार धांधली करके पहुंच गए, और आज फिर आज खान साहब ने उनको फिर से एक मरतबा कह दिया कि वो धांधली करके आए, जबकि पूरा पाकिस्तान क्या है ये भी बता दे। मुझे बात करने दे, मुझे इजाजत दीजिए बात करने की। उसके मतलब आज जो है आज दूसरी मरतबा भी इनके ऊपर, बेचारे के ऊपर सरदार आया सादिक के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि वो बेईमानी करके आए, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, उसके बाद जो इन्होंने जितनी पैनामा लीक्स की और करप्शन के इल्जाम लगाए थे, तो कश्मीर के अवाम ने भी मेरे ख्याल से एक जवाब दे दिया कि ये सियासत जो है मनफी सियासत, ये इल्जाम की सियासत इनको पसंद नहीं है, वो आपने देख लिया क्या हुआ। फिर अब जेहलम के बाय इलेक्शन ठीक है, मिफ्ता साहब ने जवाब दे दिया, लेकिन आप इनके लिए ये मसला हल क्यों नहीं कर देते? कश्मीर के अवाम ने भी जवाब दे दिया, बाय इलेक्शंस में जहां जहां हुए वहां से भी अवाम ने जवाब दे दिया। ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर जवाब दे दें, तो प्राइम मिनिस्टर जवाब दे के वंस एंड फॉर ऑल ये मामला हल क्यों नहीं कर देते? नहीं, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा चुके हैं कि मैं गुजारिश करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा चुके हैं कि मैं तैयार हूँ अपने एहतसाब का, मुझसे पहले एहतसाब सबसे पहले शुरू करा जाए, उसमें हमने मना नहीं किया। हम इनके साथ बैठे कि चलो TORs डिस्कस कर लें, उस पर भी अब वो लोग करते हैं कि नहीं ये इस तरह करोगे तो नहीं करोगे वरना वक्त ज़ाया हो रहा है। भाई बैठ जाओ, अगर दो चार मीटिंग और नशिश्त हो जाएंगी तो कौन सा वक्त चले जाएगा। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने एक अपना वो मुसवदा पेश कर दिया कि इस तरह एहतसाब होना चाहिए, चले उसके ऊपर भी इन लोगों की वो इनकी सहमत नहीं है, हमने भी पेश कर दिया। अगर वो पीपल्स पार्टी का नहीं, हमारा पसंद है, हमारा नहीं है, पीपल्स पार्टी का पसंद है। खान साहब जो हमजा की हमजा शहबाज की आपने क्लिप दिखाई थी ना, बस उनको वजीर आजम बनना है, और बिल्कुल उनका हक है, अल्लाह उनको वजीर आजम कभी बनाएगा, लेकिन अवाम से वोट लेके आए ना, अवाम से वोट क्यों नहीं लेके आते? आपने देख आप तीनों साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एजाज चौधरी साहब से इस हवाले से बात करेंगे कि जी हमजा शहबाज शरीफ ने आज जो कह दिया और पूरी पाकिस्तान मुस्लिम नमाज का जो मौकफ है कि इमरान खान साहब को सिर्फ ख्वाहिश है वजीर आजम बनने की, और उस चक्कर में वो तमाम चीज़ें करते चले जा रहे हैं, चाहे 126 दिन का धरना हो और अब एहतजाज और फिर अब रायवेंट की कॉल, इस पर उनका जवाब लेंगे एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक। पैनामा का जो मामला है ये ऊंट किस करवट बैठेगा, सवाल यही है और काफ़ी दिनों से जेरे बहस है और इसका जवाब कहीं से नहीं आ रहा। ऑपोजिशन ये कहती है कि हमारे TORs मान लिए जाएं तो हुकूमत की जान बख्शी हो सकती है, छुटकारा जो है वो हमारे TORs में है। दूसरी जानब हुकूमत ये कहती है कि इनके जो TORs हैं वो प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करने के लिए। एजाज चौधरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो मिफ्ता ने बात की थी और दीगर जो PMLN के लोग बात करते हैं कि वजीर आजम बनने का शौक है इमरान खान साहब को और इसलिए एहतजाज हो रहा है, इसलिए तमाम चीजें हो रही हैं, ये हल क्या वाकई आपको लगता है कि रायवंड जाके निकल जाएगा? और दूसरी जानब आपने आबिद शेर अली साहब की धमकी भी सुन ली कि अगर रायवंड का रुख किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। साथ ये पहली बात तो मैं ये आपसे अर्ज करता हूं, ये मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता जो धमकी जिसने दी है। मेरा ख्याल है पहले ये कर लें हम, मैं यानी उनसे कहता हूँ कि मैं रायवंड सुबह जाता हूँ और जहाँ चाहे मैं जाके खड़ा हो जाऊँगा, पहले तो ईंट से ईंट तो ये बजा लें। और ये हुक्मरानों की जो ज़ुबान है ना, ये बहुत लंबी हो रही है, और ये कुदरत का भी निज़ाम है, वो भी 7 साल चलता रहता है,
और आवाम भी इस सारी चीज़ को देख रहे हैं। मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूँ और आप ही को इंसाफ के ऊपर छोड़ देते हैं। जब से पैनामा पेपर्स का मसाने आया है, मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली के चार अरकान ने मुख्तलिफ बयानात दिए हैं पैनामा पेपर्स पे। यानी कोई सोचने के लिए भी तैयार नहीं है कि इनकी आपस में इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन को कोई थोड़ा सा ख्याल कर लें, कोई इसका इतना ही एहसास कर लें कि जी बेटा कुछ कह रहा है, बेटी कुछ कह रहा है, अहलिया मोहतरमा कुछ कह रही हैं, वज़ीर आज़म कुछ कह रहे हैं, लेकिन कोई निज़ाम बनाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ये बताएं इसमें किसकी बदनीयती शामिल है? मेरी? मैंने बनाना है वो कानून? हकूमत में, असेंबली में किसकी अक्सरियत है? क्यों नहीं? जब वज़ीर आज़म कहता है कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, और वो ये एक बात कहता है कि 70 की दिहाई में जब हमारे सनत को कामयाब लिया गया तो हमने खलीज में जा के स्टील मिल कायम की। डॉक्टर मुबशर हसन कहते हैं कि उस दौर के अंदर एक पाई पाकिस्तान से बाहर ले जाना जुर्म था। ये एक सवाल है, सादा सा सवाल है। हमने चार सवाल जो दिए हैं वो ये दिए हैं कि आपने कमाए किससे? आपकी बात दुरुस्त, चलें, अच्छा, बिल्कुल ठीक है। चार सवाल आपने दिए, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स में, उसके बाद इसी को आगे बढ़ाएं। जिम्नी सवाल, इदारे आप कहते हैं कि आपको उन पर एतमाद है नहीं, फिर ये किस तरीके से इदारे काम करेंगे जिन पर दबाव डालने के लिए आप अब कह रहे हैं कि जी हम तहरीक चला रहे हैं? और राइवेंट भी जब इमरान खान साहब ने हफ्ते को ही कहा है कि हमारा मकसद हुक्मरानों पर नहीं, इदारों पर दबाव डालना है, इस तरीके से आ जाएंगे दबाव में? अच्छा, सारे इदारे और ये काम कर लेंगे, कार्रवाई कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ? इस पर भी मैं आता हूँ, और पहले मैं आपको इस बात का जवाब दे लूँ कि उसे वज़ीर आज़म बनने का शौक है या इस कौम के लिए कुछ उसने। एक तो उसका सारा माजी ये साबित करता है कि उसको कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं है। उसने खिलाड़ी के तौर पे भी की तो कौमी की खिदमत की, एज़ ए फिलैंथ्रोपिस्ट कोई काम किया तो कौमी की खिदमत की, गरीब की खिदमत की, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं सियासत में। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, नवाज शरीफ साहब जब पार्टी 6 माह की थी ये 25 कौमी असम्बली की नशस्तें देने के लिए तैयार थे उसे, हैं। और ज़ियाउल हक़ वाली बात तो सारी दुनिया को मालूम है, इसलिए अगर उसको इक्तदार में आना होता तो अब तक को वजीर, कोई वजीर आला इनके साथ शामिल होकर वो कुछ ना कुछ बन चुका होता। मसला ये है कि उसने कहा कि नहीं, इक्तदार की सियासत नहीं करनी, हमें लोगों के मफाद की सियासत करनी है। और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया दहशतगर्दी के बाद ये है कि दहशतगर्दी का और करप्शन का आपस में नेक्सस है, ये नाजायज़ दौलत है। सादिया, आपको समझ आती है इस बात की कि कोई 2-3% रूलिंग अलीट बहुत ज़्यादा अमीर हो गई है और 60% लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो गए इस मुल्क के अंदर। इनकी तो दौलत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, मुल्क में वो अमीर तर होता जा रहा है, गरीब जो है वो गरीब तरीन होता चला जा रहा है। आप हमारी बात को फॉर गॉड से समझने की कोशिश करें। हम चाहते हैं कि एहतसाब हो, किसका? एजाज चौधरी का एहतसाब हो, इमरान खान का एहतसाब हो, सारों का एहतसाब होना चाहिए। आई गॉट योर पॉइंट, जो लोग वजीर आजम के मंसब के ऊपर बैठे हुए हैं क्या उन्हें माफ कर दिया जाए? एहतसाब सारों का करें। वहीं पर कादरी साहब ने कहा कि किसास के साथ साथ पैनामा लीक्स का मामला भी एजेंडे पे उसी तरह से है, दोनों चीज़ों को लेकर आप जो है वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं, रजिस्टर करा रहे हैं। बट माय पॉइंट इज़ कि ये जो रायवंड जाने का ऐलान है कादरी साहब का भी और इमरान खान साहब का भी ईद के बाद, और आज तो इमरान खान ने यहाँ तक कहा कि पहले तो हफ्ते को मैंने जो कहा था सो कहा था, लेकिन आज जब से स्पीकर ने रेफरेंसेस रिजेक्ट किए हैं तो ये तो मुतालबा मेरा ज़्यादा बढ़ गया है और मैं और बढ़ चढ़कर ज़्यादा वलवले के साथ जो है वो रायवंड जाऊंगा। तो इसी चीज़ में हल निकलेगा या कोई गुफ्तोशुनीद से ही मामला हल हो सकता है? सबसे पहली बात, हम गुफ्तोशुनीद के लिए हर वक्त तैयार हैं और अपोजिशन ने एक फोरम बनाया हुआ है, उस पर बात कर लें। बाकी रहा, आज सुबह जब मैंने ये सुना ना कि इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस दाखिल कर दिया है स्पीकर साहब ने, आप यकीन करें कि मैं 1% रायवंड के हक में था, मैं 1000% रायवंड के हक में हूँ। रायवंड क्यों? ठीक है, गंडापुर साहब सुने ना, पूरी बात सुन लें। वहाँ पर इस गरीब कौम के पैसे से पल रहे हैं हुक्मरान, पल रहे हैं, इनका जाती सरमाया नहीं लगा हुआ रायवंड के अंदर। मुझे पता है, मैं लाहौरिया हूँ, शहरदार हूँ, ये 1980 से लेके अब तक इस गरीब कौम के खून को और उनकी हड्डियों का गूदा निचोड़ के वहां पर लगा रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस है,
हम अगर जाएंगे तो उसके सामने जाएंगे। ठीक है, पहले मैं कहता था, यही बात मैं उनसे भी पूछना चाह रही हूं कि आप लोग पहले मैं कहता था की बात कर चुके हैं, पहले मैं कहता था कि सिर्फ जाएंगे सड़क के ऊपर, अब मैं कहता हूं वजीर आजम हाउस के सामने जाएंगे, जिसने जो करना है वो कर ले। मैं आपको सामने जाएंगे, मैं यही तो बात पूछ रही हूँ की ये केओस सड़कों पे आने से हल निकलेगा गंडापुर साहब? जिस तरीके से कादरी साहब ने कहा कि ये हुक्मरान अगर बैठे रहे तो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी बेच के खा जाएंगे, तो इन हुक्मरानों को जिनको आप इतने जिन पर संगीन इल्जामात लगा रहे हैं, जो कहते हैं कि जी आवाम को लूट गए, मुल्क को लूट गए, इंडियन एजेंट्स हैं और पता नहीं क्या कुछ जो भी बातें की, इनको फिर निकालेंगे कैसे? इसी तरह से चले जाएंगे जो एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं वजीर आजम हाउस भी पहुँचने को तैयार हैं? मैं दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा। नंबर एक, और एजाज चौधरी साहब चूँकि माशाल्लाह बड़े महज़ब दोस्त हैं, मैं तो एक जाहिल जैसा पठान हूँ, ये आबिद शेर अली वही आदमी है ना जो चौधरी शेर अली का बेटा है, तो चौधरी शेर अली कहता है कि राणा सनाउल्ला ने 13 कत्ल किए हुए हैं, तो पहले तो आबिद शेर अली और इसका बाप आपस में फैसला कर लें कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि इसी हुकूमत के वजीर ने 13 कत्ल कराए हुए हैं, तो या तो ये बाप को चुप करा ले पहले, ये एक मामला ख़त्म हो गया। दूसरी बात, जहाँ भी दुनिया में जमहूरियत है वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने अक्सर और बेशतर एहतजाज होते रहते हैं। मसला बिगड़ता कहाँ से है? जब ये डाकू, ये जब लुटेरे, चोर, उचक्के, जो लफ्ज़ आप इनके लिए इस्तेमाल कर लें, मॉडल टाउन पे दिन दहाड़े आके डॉक्टर तायरुल कादरी की रिहायशगाह पर और मेरे दफ्तर के ऊपर, खुरम नवाज गंडापुर के दफ्तर के ऊपर, जब वहां उमर विर्क खड़ा होके कहता है कि, और सलमान कहता है इन्हां नूं वटे नहीं देने, इन्हां नूं गोलियां मारो, उस वक्त ये जो मेरे मौसूफ दोस्त बैठे हुए हैं, क्या इनके कान बंद थे जब पंजाब पुलिस ये बातें कर रही थी? वो वीडियोज आज भी मौजूद हैं। उनके खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन लिया जब तायरुल कादरी के घर के ऊपर फायरिंग हुई? इन्होंने क्या एक्शन लिया? ये हमें बताते हैं और ये हमें डराते हैं। जहां तक डर का सवाल है, तो जो एजाज चौधरी साहब ने कहा, मैं आज आबिद शेर अली को कहता हूं एक टाइम फैसला कर दें, मैं खुद अकेला एक आदमी बगैर हथियार के रायवेंड आऊंगा। रायवेंड किसी के बाप का नहीं है, जो इनका घर है अगर तो वो इनका जाती घर है, वो इनका घर है। रायवेंड की सड़कें आपकी भी हैं, मेरी भी हैं, मॉडल टाउन की सड़कें आपकी भी हैं, मेरी भी हैं, लेकिन मॉडल टाउन की वो सड़क जो हमजा शहबाज के घर के सामने से गुजरती है वो किसके बाप की है? वहां इन्होंने कैसे बैरियर लगाए हुए हैं? उसको किस बात की सिक्योरिटी चाहिए? जो एच ब्लॉक में इन्होंने बैरियर लगाए हुए हैं वो किस बात की? और जहां तक रहा अदालतों का सवाल, पंजाब लाहौर हाई कोर्ट का वो ऑर्डर इस वक्त भी मेरे पास है, वो फील्ड में है, उस ऑर्डर को पांव के नीचे ठुंडा मार के पंजाब पुलिस आई। अच्छा, सही है। मैं अब इसी चीज को जरा मेहता साहब से पूछना चाहूंगी जो आप बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हाई डिड दे नॉट इशू, ठीक है, वो तमाम चीजें सही है, लेकिन मेहता साहब ये जो गंडापुर साहब ने बात की है, एजाज चौधरी साहब ने बात की है, एक लिहाज से तो कहते हैं ना कि हुकूमतों के दिल बड़े होने चाहिए, आप लोग इक्तदार के ऐवानों में मौजूद हैं और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उन्हें इस किस्म की बातें जेब नहीं देती हैं, बजाय इसके कि मसले को बैठ के सुलझाया जाए, आप तो चाहे हनीफ अब्बासी साहब हों, आबिद शेर अली हों, ये तो इस तरह के बयान दे के कि ईंट से ईंट बजा देंगे, सोचना भी नहीं, वहाँ जाने का, वहाँ रुख करने का तुम इरादा भी मत करना, ये तो आप मज़ीद प्रोवोक कर रहे हैं ना इनको, अपोजिशन को। जी सादिया, अगर किसी हुकूमत के नुमाइंदे ने, किसी हुकूमत के वज़ीर ने कोई गैर मुनासिब बात करी है तो वो ठीक नहीं है और उसको बिल्कुल हम उसको कंडेम करते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश आप करते हैं आबिद शेर अली के इस बयान को कंडेम करते हैं? अगर कोई भी गैर मुनासिब बात है, मुझे आबिद शेर अली का बयान नहीं पता है, कोई यही भी गैर मुनासिब सुनाया, दोबारा सुना दूं? अच्छा, दोबारा सुना दूं मैं मिफ्ता साहब, दोबारा सुना दूं एक ही लाइन है उनकी, अगर कहते हैं तो सुना दे। अगर आपने सुनाया निकालें जी, आबिद शेर अली ने क्या कहा जी? गद्दापुर साहब, मेरी गुजारिश जरूर करें, लेकिन आबिद शेर अली का नाम लेने की जुर्रत आप में नहीं है।
जुरत नहीं है आप नहीं, नाम ले लें साहब, कोई बात नहीं, नाम ले लें, आपने खुद ही कह दिया ना कि जो भी करेगा, नाम ले लें। आबिद, मैं आप जुरत नहीं है भाई, जुरत नहीं है, दोस्त है आबिद का, मैं नाम लेता हूँ कि अगर आबिद आबिद शेर अली ने कोई बात गलत करी है, गैर मुनासिब करी, तो वो बात गलत है। अच्छा एक सेकंड मिफ्ता साहब, क्योंकि आपने कहा आपने सुना नहीं है, इजाजत नहीं है, सुना सुनने मैं सुना रही हूँ, ये सुने आबिद शेर अली ने क्या कहा था, प्ले कीजिए जी। अगर इन दोनों बनारसी ठगों ने, चाहे वो इमरान खान है चाहे वो ताहरुल कादरी है, अगर तुमने कोई भी मार्च करने की राय विंड की सोचा भी, हमें अपने पैदा करने वाले की कसम है, तुम्हारी ईंट से ईंट बजाएंगे, हमारे कारकुन भरे पड़े हैं। तुमने अब राय विंड का नाम लिया तो कारकुन लाल हवेली की ईंट से ईंट बजा देंगे जी। मिफ्ता, मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो गंदापुर साहब जो बात कर रहे हैं, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ कि आबिद शेर अली बाप का बेटा बने, शेर चौधरी शेर अली के ऊपर जाना, उनके वालिद की बात करना, मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। देखिए खान साहब ने जो बात शुरू कर दी, इमरान खान साहब ने, उनके गुफ्तगु इसी तरह हो सकती है, आपने नोट करी होगी ये बात। रिक्वेस्ट है, एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक आते हैं तो फिर इस गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी, आप दोनों को पूरा मौका मिलेगा बात मुकम्मल करने के लिए, राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मिफ्ता इस्माइल साहब, आप बात मुकम्मल कीजिएगा जो आप मजम्मत कर रहे थे आबिद शेर अली के बयान की, और साथ ही साथ मेरा सवाल यही था कि आप हुकूमत हैं तो दिल बड़ा करके फिर इनसे रायवंड जाने से पहले, ईद के बाद, इससे पहले कि मजीद हालात बिगड़ें, और ये जो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत पर और इदारों पर मजीद दबाव बढ़ाएंगे, उससे पहले इफाम व तफहीम से मामला रफा दफा नहीं हो सकता? देखिए मैं जो पहले बात कर रहा था, अगर मुझे आप बात करने का मौका दें कि खान साहब ने पिछले जब धरना किया था, तो खान साहब ने जब पिछली मरतबा धरना दिया तो ओए तोए की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल करी थी, सेक्रेटरी उस वक्त थे इंटीरियर के शाहिद खान साहब के ऊपर, दूसरे इदारों के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कितने सुप्रीम कोर्ट के जजों को उन्होंने आड़े हाथों लिया, इस बार इन्होंने FBR के चेयरमैन को शुरू कर दिया, इन्होंने NAB को शुरू कर दिया, ये इदारों के सरबराहों को और इदारों के लोगों को, हुकूमत के अफसरान को, जो कि इनको जवाब नहीं दे सकते, वो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो खान साहब तो अब बहुत बड़े लीडर हैं ना इस कौम के, तो खान साहब को भी थोड़ा सा अगर जो है वो संभाल के बात करनी चाहिए, उनको भी इस किस्म के इश्तियाल अंगेज बयान नहीं देने चाहिए जिसमें लोगों की पगड़ियां उछालें, जो आपको जवाब नहीं दे सकते, और एकदम अगर इनके पास सचमुच कोई एविडेंस है तो लेके आ जाते, किसी को दे के आ जाते, आप तो ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। फिर जब चौधरी साहब मेरे भाई हैं, एजाज चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि वो नवाज शरीफ का घर जो है वो गरीब की हड्डियों के पीस के बना हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये भी थोड़ी सी एग्जॉजरेशन है, ये भी कुछ ज्यादा मेरे ख्याल से कहने की बात है, ये मां साहब की पर्सनल प्रॉपर्टी है, हुकूमत वल्लाह अलअज़ीम। मिफ्ता साहब आप इस रास्ते से कभी गुजरे ही नहीं हैं, मुझे 40 साल हो गए हैं सियासत के अंदर, और मुझे पता है ये जाती उमरा कैसे बना था, किसी वक्त इसी पे एक प्रोग्राम सादिया कर लें, मैं ना साबित कर सकूँ ना, मैं सियासत छोड़ दूंगा कि ये आवाम की ये खून और उनकी नवाज शरीफ का इस मुल्क मेरी बात सादिया मेरी बात सुन लीजिए, जितना नवाज शरीफ का इस मुल्क में एहतसाब हुआ है उतना तो किसी का भी नहीं हुआ, जाति उम्र का तो मुशर्रफ ने जितनी मर्जी एहतसाब कर लिया था, उससे पहले बेनजीर भुट्टो शहीद ने भी दो मरतबा मुशर्रफ नवाज शरीफ का एहतसाब करा, नवाज शरीफ के ऊपर तो एक केस नहीं मिला था मुशर्रफ को, मां सिवाय इसके कि वो हाईजैकिंग का केस करा था, तो जितने ये चौधरी साहब कहां से बात कर रहे हैं, तो अगर आप आबिद शेर अली को बात गलत कह रहे हैं और आबिद शेर अली ने अगर बिल्कुल नामुनासिब बात करी है तो फिर आप भी इस्तेमाल इस तरह के स्टेटमेंट ना देना, फिर इमरान खान साहब को भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, फिर दूसरे लीडरान को भी जाकर यह नहीं कहना चाहिए कि हम मोदी के यार हैं, हम इंडियन स्पाइज हैं, जो गंदापुर साहब के लीडर फरमाते हैं, मतलब इस किस्म की बातें तो जेब नहीं देती ना, हम क्या इंडियन एजेंट हैं क्या, आप ये बात कर रहे हैं लोगों से,
मतलब ये सलाह दे रहे हैं और वो कहते हैं कि शवाहिद भी हमारे पास मौजूद हैं, चलें ये तो फिर अदालत में ले जाएं, वो जो कह रहे हैं अदालत में ले जाएं उन्हें। आप परवेज रशीद साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि इनके खिलाफ हम केस करेंगे, तो जब केस मुकदमा दायर होगा तो आई थिंक काफी चीजें अदालतों में सामने आ जाएंगी सबके। एजाज चौधरी साहब, अभी जिस तरह इन्होंने कहा कि इदारों के सरबराहों को लेकर भी काफी तनकीद का निशाना खान साहब बनाते आए हैं, और अभी आजकल एक नई चीज हम सुन रहे हैं कि चेयरमैन FBR जो है वो हर महीने 20-25 करोड़ रुपया जो है वो दुबई भिजवा रहे हैं, ये भी आज फिर से उन्होंने दोहराया है इस इल्ज़ाम को, तो ये चीज़ें कब तक चलेंगी ऐसे सरबराहों के नाम लेके? इस तरह दबाव पड़ेगा बेटे, इस तरह से मैं अर्ज करता हूँ। देखिए पहली बात तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान ने जितना 3.5 साल के अंदर कर्ज लिया है ना, उतने पैसों की ब्लैक मार्केटिंग के जरिए पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी है दुबई के अंदर, ये सारा पैसा साइफन होकर बैरूनी दुनिया में जा रहा है, और ये कौम गरीब हो रही है 1.25 लाख। ये जो IMF का हमारे गले के अंदर तौक डाला है ना, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब 90 में वज़ीर आज़म बने थे तो 1991 में गालिबन, अगर मैं ठीक याद रख रहा हूँ। अच्छा सर, तो मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब कहते हैं कि चेयरमैन FBR हर महीने दुबई 20-25 करोड़ भिजवा रहा है, लंदन में घर लेने की कोशिश कर रहा है, इसके भी आपके पास दस्तावेजी सबूत मौजूद है? ये मेरा आपसे सवाल है। एक मैं मेरी गुजारिश सुन लें, ये बात चेयरमैन ने की है, यकीनन उसके पास इसका कोई एविडेंस मौजूद होगा, लेकिन मैं इन्हें मुकद्दस गाय नहीं समझता। मैं जाती तौर पे कहता हूं, मैं FBR का, NAB का चेयरमैन और किसी अदारे का, ये मुकद्दस गाय नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान के गरीब कौम के लिए कख नहीं किया है। ये NAB सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ती है, कोई भी मुकद्दस गाय नहीं, लेकिन वो शरीफ ब्यूरोक्रेट है, वो शरीफ आदमी है, निसार खान बेचारा, उसके ऊपर इस किस्म के इल्जाम लगाना तो जाती है ना। आप उनकी करें, आप उनकी रखवाली करें, मैं अपना फ़र्ज अदा कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि ये सारे लोग पाकिस्तान का खून चूस रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान को कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाया, ना ये FBR, ना ये NAB, ना ये FIA। यानी आप मुझसे पूछते हैं, हमारे तो सारी ज़िंदगी यहां पे गुजार दी है, आप मुझे जिस फांसी पे चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा दें। मगर मैंने आप सच बोला, आदमी का नाम लेकर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं बगैर किसी सबूत के, चेयरमैन किसी बात के, जो बेचारा ब्यूरोक्रेट है, जो जवाब नहीं दे सकता, एक नहीं दो लोग, NAB के चेयरमैन को भी बेचारे को FIA के चेयरमैन, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने कोई बात किया तो उनके पास सबूत होंगे। धावा बोले और उन्हें निकाल के बाहर फेंक दें, ये होगा हल? मुझसे बात नहीं है, बात बड़ी सिंपल है। मैं एक सिंपल आपको बात बताऊं, जब तक मॉडल टाउन केस अलमिये के लोग जो जिम्मेदार थे, जिनको ये रिवॉर्ड कर रहे हैं, तौकीर शाह को गेट में भिजवा दिया आउट ऑफ टर्न, बिलाल साहब जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से उनके साथ लगातार रबते में थे उनको बाहर भिजवा दिया गया, DIG राणा अब्दुल जब्बार को कोर्स दे के बाहर भिजवा दिया गया, शिराजी साहेब जो औरतों के बाल घसीटते हुए और औरतों के सर पे से पर दुपट्टे फाड़ते हुए वीडियोस मौजूद हैं, उनको शेवनिंग स्कॉलरशिप पे लंदन भिजवा दिया गया है, उमर विर्क साहब को कनाडा भिजवा दिया, उमर चीमा साहब को कनाडा भिजवा दिया गया है। ऑल द पीपल हु वर द प्रिंसिपल किरदार्स ऑफ मॉडल टाउन हैव ऑल बीन रिवॉर्डेड एंड बीन सेंट ऑन पोस्टिंग्स, ताकि ना वो आ सके मैदान में, ना उनसे कोई स्टेटमेंट ली जा सके। आगे चल के मैं, अब देखें, इल्ज़ाम तराशी और एक इल्ज़ाम होता है जिसको आप साफ साफ कहते हैं, मैंने पहले भी बात की है, मैं फिर दोहराता हूँ, आप एहसन इकबाल साहब को कल प्रोग्राम में ले लीजिए और जनरल कादिर बलोच को ले लीजिए कल पैगाम प्रोग्राम में, उनसे पूछिए कि क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ ये वादा हुआ था कि जो JIT बनाई जाएगी उसका हेड पंजाब का रिहायशी नहीं होगा, पुलिस का अफसर होगा। अच्छा। लेकिन बाकी तीनों में से किसी एक सूबे में। अच्छा, उन्होंने कहा जी KPK ये हुकूमत की तरफ से एहसन इकबाल साहब और कादिर बलोच साहब ने वादा किया था जी, मेरी आप पूरा जुमला सुन लेना, पूरी बात सुन ले,
उन्होंने कहा केपीके में आपकी हुकूमत है। मैंने कहा आपको गलत फहमी हो रही है, मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक का हूँ, पीटीआई का नहीं हूँ। तो चले अगर केपीके में हमारे कजन की हुकूमत है तो आप सिंध या बलूचिस्तान से ले लें, अगर ये बात झूठ निकल आए। ठीक है, मैंने तो नाम लेके कहा है ना, आप कहती हैं एविडेंस कहाँ है। आप कल उनको प्रोग्राम पे बुला लीजिए, वो हल्फ दे के कह दें कि उन्होंने ये वादा नहीं किया था, हम छोड़ देंगे सियासत। बात ये है कि अच्छा, चीखो पुकार से ये तो फिर आपने ठीक है, आपने लाइव शो के अंदर बैठ के बात कह दी, नाम ले के बात कह दी कि किसने कहा था, किसने कमिटमेंट दी थी। फिर मिफ्ता साहब इसके बाद क्या कहेंगे, उनसे की गई कमिटमेंट ऑनर तो फिर आपकी तरफ से नहीं हुई, आपके बड़े सीनियर लोगों के, सीनियर वुजरा के नाम उन्होंने लिए। इन्होंने एहसन इकबाल साहब का और जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब का नाम लिया है, मेरे ख्याल से वही क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं, मैं तो उस बारे में ऑब्वियसली कुछ भी कहने से कासिर हूँ। ठीक है, जो बातें सुनी आपने गंडापुर साहब के जास चौधरी साहब की और जो कुछ खान साहब और कादरी साहब ने कहा और रायवंड की जानिब जो रुख होगा, दबाव वाकई बढ़ रहा है हुकूमत पे, डू यू रियलाइज दैट? सादिया, कल जब इन्होंने लाहौर में जो अपना जो जलसा करा था या जलसी करी थी या जो भी जुलूस निकाला था, उसमें इनकी एक लीडर साहिबा ने कहीं हंगरी, बुदापेस्ट हंगरी की तस्वीरें लेके लगाई कि देखो कितने लोग थे, इतने कम लोग थे कि तस्वीरें कहीं और की लेके फोटोशॉप कर रहे थे। किसने लगा दी? मतलब ये सड़क पे जाने के लिए लोग इनके पास कहाँ से आएंगे? आपके लोगों के नाम लिए बता दें। अच्छा, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इनके पास इतने लोग नहीं है, इनके ये जो दावे हैं, इनके जो इल्जाम की सियासत है, इसको अवाम बारहा रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं ये समझता हूँ कि इनके पास लोग नहीं होंगे, इनको 2018 के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और खान साहब को अल्लाह की जात से उम्मीद रखनी चाहिए, हो सकता है वो जीत जाए इलेक्शन। ठीक है, मुस्लिम लीग नून ने बड़ा अच्छा काम कर रही है और काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी एक जुमला कह लें गंडापुर साहब अगर कहना चाह रहे हैं तो। नहीं करते, मैं बस एक ही जुमला कहूंगा कि अगर आप केस को गौर से देखें, 1999 में जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हटाई गई थी, तो जहां मुशर्रफ साहब पे गद्दारी का इल्जाम लग रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को वॉयलेट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ही डिड नॉट फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ओके, गॉट योर पॉइंट सर, थैंक यू वेरी मच। तीनों की तशरीफ़ का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद आवर 6 सितंबर स्पेशल शो। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।